हिंदी सिनेमा जगत की हर दूसरी फिल्म में बोल सीन्स का तड़का लगा होता है। कुछ बोल सीन तो ऐसे होते हैं कि सेंसर बोर्ड उन पर कैची चलाने तक को कह देता है। कभी कभी तो बोल सीन्स फिल्म को हिट कराने का सबसे बड़ा कारण भी बन जाते हैं। कुछ फिल्मों में हीरो और हीरोइन के बोल सीन्स काफी चर्चा में भी रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बॉलीवुड की उन हीरोइंस के बारे में बताते हैं जो आसानी से बोल सीन्स कर लेती हैं। इस लिस्ट में सबसे नया नाम राधिका आप्टे का है। राधिका ने बदलापुर और हंटर में जबरदस्त बोल सीन्स दिए हैं। वो बोल सीन्स में काफी सहज हैं। बोल सीन्स के अलावा एक्टिंग के मामले में भी वह लोहा मनवा चुकी हैं। आगे बात करते हैं माही गिल की। माही अतरंग सीन्स बड़ी सहजता से करती हैं। यहाँ तक कि हाल ही में आई वेब सीरीज अपहरण में भी माही गिल ने जबरदस्त बोल सीन्स दिए हैं। अब बात करते हैं मलिका शरावत की। बोल सीन्स बेहद आसानी से करने वाली हीरोइनों में मलिका का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। मलिका अपनी पहली फिल्म से ही बोल सीन्स करने में अव्वल है। ख्वाहिश और मर्डर जैसी फिल्मों में मलिका ने जबरदस्त बोल सीन्स दिए थे। आगे बात करते हैं पूनम पांडे की। पूनम पांडे ने अपनी फिल्म नशा में खूब अतरंग सीन किए। पूनम पांडे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बोल तस्वीरें भी पोस्ट करती रहती हैं। अब आगे बात करते हैं सनी लियोनी की। सनी लियोनी तो अपनी हर फिल्म में बोल सीन्स में बेहद सहजता से करती हैं। बॉलीवुड में आने से पहले सनी एडल्ट फिल्म करती थी। बॉलीवुड में सनी की पहली फिल्म जिस्म 2 थी जिसमें सनी बोल सीन्स देने से पीछे नहीं हटी। आगे बढ़ते हैं शर्लिन चोपड़ा की ओर। शर्लिन चोपड़ा ने फिल्म काम सूत्र 3D में बोल्ड सीन्स दिए थे। इसके अलावा कई और फिल्मों में भी शर्लिन बोल्ड सीन्स दे चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं बॉलीवुड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत की ओर। राखी सावंत अपने किसी न किसी विवाद से सुर्खियों में बने रहने की कोशिश में लगी रहती है। राखी बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से कम अपने बोल्ड अंदाज वाले आइटम सॉन्ग से जानी जाती है। अब बात करते हैं उदिता गोस्वामी की। उदिता गोस्वामी की गिनती भी एक बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर होती है। जहर और अक्सर जैसे फिल्मों में अपने बोल्ड किरदार से चर्चा बटोरने वाली उदिता गोस्वामी ने एक्टिंग को बाय बाय कर दिया है। आगे बढ़ते हैं तनुश्री दत्ता की ओर। तनुश्री दत्ता ने आशिक बनाया आपने में बोल्ड रोल कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब वे बॉलीवुड से गायब है।